अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज क्लास 3 की साइंस का जो हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है द वर्ल्ड ऑफ एनिमल, जानवरों की दुनिया, एनिमल्स एंड देयर टाइप्स। इसमें टॉपिक स्टार्ट करेंगे एनिमल और उनकी अकसाम। एनिमल्स की दो टाइप्स होती हैं, नंबर 1 इनवर्टिब्रेट्स, नंबर 2 वर्टिब्रेट्स। ये दोनों टाइप्स किस बुनियाद पे हैं? ये दोनों टाइप्स हैं रीढ़ की हड्डी की बुनियाद पे। वो जानदार जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती उन्हें इनवर्टिब्रेट्स कहते हैं, और वो जानदार जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है वो वर्टिब्रेट्स कहलाते हैं। इसके अलावा इनवर्टिब्रेट्स वो एनिमल्स हैं जिनमें कोई सिस्टम नहीं होता, बहुत कम सिस्टम्स पाए जाते हैं। ये सादा एनिमल्स हैं, उनकी एग्जाम्पल में आएगा इंसेक्ट्स यानी कीड़े मकोड़े, वॉर्म्स। उसके अलावा शेल्ड एनिमल, वो जानदार जो शेल या होल में रहते हैं वो स्पाइनी एनिमल्स, वो जानदार जिनकी बॉडी पे कांटे पाए जाते हैं। ये तमाम जानदार ऐसे एनिमल्स हैं जो बहुत सादा होते हैं, इनमें बकायदा प्रॉपर कोई सिस्टम नहीं पाया जाता, ऑर्गन सिस्टम नहीं पाया जाता, इन्हें इनवर्टिब्रेट्स कहते हैं। उसके बाद आ जाइए दूसरी कैटेगरी की तरफ, वो है वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स उन एनिमल्स को कहते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी यानी बैकबोन पाई जाती है। ये वो जानदार हैं जिनमें बाकायदा ऑर्गन सिस्टम मौजूद होते हैं जो उनकी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। उसके अलावा इसकी एग्जांपल में आएंगी फिशेस यानी मछलियाँ, फ्रॉग, मेंढक, रेप्टाइल रिंगने वाले जानदार, बर्ड्स, परिंदे, मैमल्स, मिमालिया। ये एग्जांपल्स हैं वर्टिब्रेट्स की। इस टॉपिक को अपनी बुक में थोरली रीडिंग कीजिएगा और उसके मुश्किल डिफ़िकल्ट वर्ड्स निकाल के उनकी मीनिंग निकाल के उसको अंडरस्टैंड कीजिएगा कि जो मैंने टॉपिक में पढ़ाया है वो आपको समझ में आया है कि नहीं आया। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे।